हेलो एवरीवन, की हाल चाल सबदार। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मेरा नाम है डी मैन और आज हम यूट्यूब कम्युनिटी और अदर प्लेटफॉर्म की बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज कवर करेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलिए हम फर्स्ट स्टोरी पे चलते हैं, जो कि बहुत दुखद कि एक्टर इरफान खान अब नहीं रहे, जिनकी मृत्यु आज 29 अप्रैल को हुई, जिसका कारण था कैंसर। तो इरफान लंदन भी गए थे अपना इलाज करवाने के लिए, पर वो ठीक नहीं हो पाए। तो रेस्ट इन पीस टू इरफान खान। तो इसी की बात करते हुए आशीष चंचलानी क्या कहे अपनी इंस्टाग्राम पर, तो आप देख सकते हैं। I woke up to the one of the saddest news of my life. This is beyond shocking. I feel like crying. Why? Mood इतना ज्यादा खराब हो चुका है आज, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है जैसे कोई अपना गया है। Rest in peace sir, we love you very much. जाते जाते भी एक जबरदस्त परफॉर्मेंस दे गए। तो इसी के साथ इक्का क्या गए अपने इंस्टाग्राम पर, तो आप देख सकते हैं। उनको अलविदा कहा नहीं जा रहा, उनको हर अभिनय आंखों से जा नहीं पा रहा, अपने किरदारों को निभाए नहीं जिया है। पान सिंह तोमर से बिल्लू बार-बार हमें दिया है, इतना दुख कभी हुआ नहीं जितना आज हुआ। ऊपर वाला जन्नत नसीब करे आपको, इरफान खान। तो चलिए हम नेक्स्ट स्टोरी पे चलते हैं, जो कि भुवन बाम से। तो उन्होंने लूडो की पक्की गोटी काटने वाले के लिए पोस्ट किया, तो आप देख सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट स्टोरी पे चलते हैं, जो कि एलवेश यादव से। तो रिसेंटली उन्होंने रोस्ट किए थे टिकटॉकर्स को, तो उसी के साथ आमिर सिद्दीकी भी एक उन्हीं में से थे। उनकी कुछ स्टोरी देख के उन्होंने क्या कहा, तो आप देख सकते हैं। भाई मैंने अभी स्टोरी देखी आमिर सिद्दीकी की, हाँ मैं नाम ले रहा हूँ भाई, थोड़े फॉलोअर बढ़ जाएंगे भाई के। तो भाई मैं एक चीज कहना चाहूंगा, उसकी शक्ल देखी मैंने यार, पब्लिक ने तुम्हारी इतनी बुरी कर रखी है, इतनी गाली गुली सुन रहे हो तुम, कईयों तो हाथ खड़े कर दिए कि भाई मेरे से हेट झेली जा रही। यार देखो पब्लिक को मैं अपने को बोलना चाहूँगा यार, इतनी गाड़ी मत बको। मैंने अभी उसकी स्टोरी देख रही, उसकी आंखों में दिख गया मेरे को, उसकी गांड फटी पड़ी है भाई, रहने दो, ये छोटी मोटी चीज़ चलती रहती हैं ना। तो भाई ये सुसाइड वुसाइड कर लेंगे साढ़े ऐसे ही हैं, तो उसका इल्ज़ाम ये मेरे ऊपर लगा देंगे, चिट्ठी लिख जाएंगे, मेरी मौत का जिम्मेदार है एलविस होगा। तो भाई यार गाड़ी गुड़ी मत बको किसी को, मैं अपने फॉलोअर्स को कह रहा हूँ। मेरे को पता कि उन्होंने गाड़ी के काम करे हैं, मेरे को बहुत सारी चीज़ें पता है। कह रहा हूँ 2018 से चिट्ठे खोल दूँ, भाई चिट्ठे का ही खोलोगे तुम, मार तो सारी पब्लिक ने पता है। यूट्यूब खोल के देखा, एलविस यादव लिख देगा ना, सारी चीज़ आ जाएगी लिखी ओड। हम इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते भाई, कि तुम्हारे चिट्ठे खोल दूँगा, तुम्हारा ये कर दूँगा कर दूँगा, भाई हम कर दे रहे हैं, और वो तुम्हें पता भी चली होगी। और एक और चीज़ बताता हूँ, यूट्यूब पे सदा से रोस्ट बनते आ रहे हैं टिकटॉक के ऊपर, तब तुम्हारी जुबान नहीं खुली, और जब देखा कि भाई ये इसने तो गांठ फाड़ दी हमारी, बड़े बड़े टिकटॉकर जितने बन रहे हो तुम, एलविस भाई ने तुम्हारा ऐसा ऐसा कर दिया, तो तुम्हारी जुबान खुल गई। तो भाई देखो सुनो मेरी बात, अच्छी बात है तुम्हारा रमज़ान चल रहा है, कि तुम कह रहे हो रमज़ान के बाद हम वो करेंगे, क्या कहते हैं रिप्लाई करेंगे, तुम अपना रिप्लाई। भाई देखो मैंने अभी तो कुछ करा ही ना है, जब तुम्हारी हालत ऐसी हो रही है, मैंने कुछ कर दिया तो भाई तुम फांसी लटक जाओगे, तो इसलिए ना तुम थम जाओ, थोड़े टिक जाओ, ना तो गलत हो जाएगा भाई तुम्हारे साथ। और भाई मैं उनमें से नहीं हूँ तुम्हारी तरह, जो ये छपरी वपरी में लड़ाई होती है तुम्हारी, ये कबूतर वबूतर ना चाहते होगे तुम अपनी छपरियों, मैं उनमें से नहीं हूँ भाई। तो थोड़ा ना क्लास डिफरेंस भी देख लो, अब कई आप कह दें भाई तुम तो क्लास डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, हाँ भाई मैं कर रहा हूँ, क्योंकि बात सच है। और ऐसा नहीं है कि भाई अब मेरी वीडियो नहीं आएगी एलविस भाई तुम रिप्लाई नहीं करोगे, भाई रिप्लाई इनको क्या ही करना यार, ये मर जाएंगे। मैं टिकटॉक का रोस्ट बनाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं टिकटॉक का रोस्ट छोड़ दूंगा, टिकटॉक पर करेंगे रोस्ट, पर इनके इतना सा तो मुंह बन गया, मैं क्या ही बोलूं यार, इनसे एक छोटी सी वीडियो नहीं झेली गई, इनकी गांड फटकी इतनी गंदी वाली। तो भाई अगर तुम ये सोचो मैंने रिप्लाई कर दिया इनका, या फिर क्या क्या ही हो जाएगा इनके साथ, तो करेंगे करूंगा तुम्हारा रिप्लाई भी कर दूंगा, तुम इतना नुकाओगे कि एलविस भाई तुम रिप्लाई नहीं कर रहे हो, और वे कहेंगे वो तू तो डर गया हमारा रिप्लाई नहीं कर रहा, भाई तुम्हारा रिप्लाई भी कर देंगे, तुम्हारा क्या रिप्लाई करूं। मैं सोच रहा हूं कि मगा यार ऐसे गंडमरों को क्या रिप्लाई करा जाए, कर दूंगा पर टेंशन मत लो, कर दूंगा, तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हारा रमजान खत्म हो जाए भाई, तुम मेरे को तब रिप्लाई कर देना, मैं फिर भी कर दूंगा, बट थोड़ा यार संभल के यार, और मैं पब्लिक को बोल रहा हूँ भाई थोड़ी गाड़ी का लोच कम कर दो, वे मैं दोबारा बोल रहा हूँ गांड पटकी रहने दो।
और भाई तू कहता रहा था कि मेरे को कर लो डीएम, कर लो मैसेज, कर लो मेरे को, मैं समझा दूँ। भाई तू मेरे को मैसेज कर ले, मैं तेरे को समझा दूंगा। और कोई वो मत समझो कि मैं धमकी धमकी दे रहा हूँ कि मेरे को मैसेज, भाई मेरे को मैसेज कर ले, मैं तेरे को समझाऊंगा। अगर तेरे दिमाग में थोड़ा डाउट है कि कैसे कैसे क्या करा क्या हो रहा तुम्हारे साथ, अब तो भाई मेरे को मैसेज कर ले, तुम्हारा शॉर्ट करता हूँ मैं चीज़ें। और एक स्टोरी में हमारा भाई कह रहा कि भाई तुमने ना इनको फ़ोन करा रोस्टर्स को कि रोस्ट बना दो, और तुम्हारे दोस्तों ने भी मना कर दी। भाई तुम्हारी दवाई का खर्चा भी उठा लूँगा, भाई तुम दवाई लो टाइम पे, थोड़ा सा डिफेक्ट है तुम्हारे बुद्धि में, वैसे तुम्हारे यहाँ बुद्धि भी ना होगी, तुम्हारे घुटने में दिमाग होगा, गांड में दिमाग होगा वैसे तुम्हारे, बट कोई बात नहीं, तुम्हारे दवाई का खर्चा भी उठा लेंगे। और मेरे को भाई किसी को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, मेरी जनता सपोर्टिव है, शायद तुम्हें पता चली होगी यूट्यूब पे ना भाई, समझदार ऑडियंस है, शायद तुम्हें फ़र्क पता चली होगी टिकटॉक का और यूट्यूब का। यूट्यूब पर समझदार ऑडियंस बैठी है, उनको पता है क्या सही है क्या गलत है, और उसका रिजल्ट भी शायद तुमको पता चल गई होगी। तुम यूट्यूब पर आ जाओ, तुम्हें तब पता चल जाएगी भाई। और तो इससे ज़्यादा क्या ही बोलूँ, तुम कसर तो पूरी कर रखी है। अब बस भाई मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा अपना तुम्हारे ऊपर, तो स्टोरी एंड करते हैं यहीं पे ना, तो छोड़ो चलो। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टोरी पे चलते हैं, जो कि मुंबई का निखिल से। तो रिसेंटली उन्होंने फंड रेस किया था अक्षय पैट्रा फाउंडेशन के साथ। तो जिसने अभी भी फंड देना हो तो मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो आप फंड रेस कर सकते हो। तो साथ में मुंबई का निखिल का अपना फिल्टर आ गया है इंस्टाग्राम पर, तो उन्होंने अपने स्टोरी में पोस्ट किया, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टोरी पे चलते हैं, जो कि मिलिंद गावा से। तो उनका न्यू सॉन्ग तेरी यारी रिलीज हुआ है, तो एक क्लिप आपको दिखा देता हूँ। यार तू नगीना हर एक हसीना, तेरी यारी पीछे छटी हर वारी, तेरी यारी तेरी यारी तेरी यारी तेरी यारी तेरी यारी तेरी यारी, मेरी जान से भी ज्यादा मुझे प्यारी, तेरी यारी 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 तेरी यारी। तो जिस जिसने सुन लिया है, मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको सॉन्ग कैसा लगा। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टोरी पे चलते हैं, जो कि डिवाइन से। तो उन्होंने शूज गली गैंग को रीमेक करके पोस्ट किया है इंस्टाग्राम पर, तो आप देख सकते हैं। कमरा हो जिसमें भर दूं मैं जूते, चलिए हम नेक्स्ट स्टोरी पे चलते हैं, जो कि है एमी वे से। तो एमी वे के एक फैन ने इंडिया ट्रेंडिंग म्यूजिक की चार्ट शेयर किया, जहां वो टॉप कर रहे थे, आप देख सकते हैं उन्होंने क्या कहा। @MEWE बनता है ब्रो, ऑलवेज ऑन टॉप। सो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना की वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको मेरे को न्यूज भेजनी हो तो फर्स्ट लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, और ऐसे ही हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहना। एंड टिल देन बाय बाय।